शैर सी एस एस इंटरव्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बेसिकली आज के स्टूडियो में हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ बिफोर एंड आफ्टर श्यड्यू एलिमेंट्स इन सी एस एस ये बिफोर एंड आफ्टर शिड्यू एलिमेंट्स क्या होते हैं सी एस एस के अंदर अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है और इस ये सिंपल आपको क्लियर भी होना चाहिए तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ सकता है अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई खबरी है तो इस वीडियो को एंड ऑफ एंड देखना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्या मेरा वीएस कोड यहाँ पर ओपन करूँगा ठीक है इस तरीके से और आप लोग देख सकते मैंने वीएस कोड यहाँ पर ओपन कर लिया है एक नई फाइल क्रिएट ग्रे करेंगे जल्दी से मैं एक नई कर लेता हूं बिफोर एंड आफ्टर डोट एस टी एम एल नाम से ठीक है आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर डोट एस टी एम एंड नहीं लिखा मैंने बिफोर आफ्टर डोट एस टी एम एल नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली है स्विफ्ट प्रेस वन टाइप करूंगा बेसिक एक्सकल में मेरे सामने एंटर हो जाएगा इस तरीके से ठीक है और आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे टाइटल वगैरह मेरे सामने जो बेसिक टेम्पलेट है आ, वो यहाँ पे मेरे पास एस टीम लगा आ चुका है मैं सबसे पहले एक एस ले लेता हूँ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर सिंपल आफ्टर सी एस एस ठीक है इस तरीके से या फिर मैं इस तरीके से एलिमेंट इन सी कर देता हूँ तो एलिमेंट्स इन सी इस तरीके से परफेक्ट और अगर मैं मेरे कोड को रन करना चाहूँ ब्राउज़र के अंदर तो मैं गो लाइव वाले बटन पर क्लिक कर सकता हूँ आपको सारी चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं क्लियर हो गई होंगी अब तक सो so, यार आप लोग देख सकते तो मेरे सामने यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो चुका है बिफोर एंड आफ्टर एलिमेंट इन सी जो मैंने एच वन के अंदर पास किया था वो मुझे दिखाई दे रहा है अब थोड़ा क्लियर करते हैं बिफोर का यहाँ पे क्या यूज है और आफ्टर का यहाँ पे क्या यूज़ होता है सी के अंदर सपोज दैट सपोज दैट मैं क्या करना चाहूँ सपोज दैट मैं कुछ इस तरीके से करना चाहूँ यार एक काम करना चाहूँ मैं चलो काम करते हैं एक सिंपल सा बॉक्स क्रिएट करते हैं एक बार इस तरीके से उसके बाद में एक दूसरा आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा लेकिन एक सिंपल सा मैंने बॉक्स क्रिएट किया इसको मैं कुछ स्टाइल प्रोवाइड करना चाहूँगा इस तरीके से मैं बेसिक बेसिक्स इसका यहाँ बेसिक बेसिक्स का जो स्नीपेड्स मैंने क्रिएट कर रखा है वो लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ सिंपली बॉक्स इस तरीके से और मैं इसके अंदर विड सेट करूँगा इसकी वन फिफ्टी पिक्सल और हाइट सेट करूँगा 150 फिफ्टी पिक्सल और बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पे रेड सेट कर दूंगा इस तरीके से अब मैंने रेड सेट कर दिया और अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आज देखो तो बिल्कुल यहाँ पे चिपक के आ रहा है और मुझे इसमें थोड़ी सी मार्जिन भी ऐड करनी चाहिए तो मैं आप इस तरीके से मार्जिन टॉप एंड बॉटम लेफ़्ट राइट वगैरह से मैं ओनली टेन पिक्सल का दे देता हूँ इससे होगा क्या इससे चार ओर से इसने स्पेस ले लेना है आप लोग देख सकते हो ठीक है अब यार मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ कि ये क्या है आफ्टर क्या है और ये जो मेरा बिफोर होता है वो क्या होता है देखो सिंपल सा बात ये है मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखूँ मैं मैं लिखती हूँ इस तरीके से कोड इस तरीके से मैं इसमें कोड लिख दिया मैंने ठीक है मैंने इसमें क्या लिखा मैंने कोड इस तरीके से लिख दिया देखो कोड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको मुझे प्रॉपरली सेंटर में चाहिए एक बार तो मैं प्लेस आइटम यहाँ पे सेंटर कर सकता हूँ और डिस्प्ले मैं यहाँ पे ग्रिड कर सकता हूँ उस तरीके से तो ये प्रॉपरली इसके से सेंटर में आ चुका देखो कोड यहाँ पे सेंटर में दिखाई दे रहा है थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हो कोड यहाँ पे सेंटर में दिखाई दे रहा है अभी ये जो कंप्लीट बॉक्स है ना इस बॉक्स के अंदर जो कोड से पहले कुछ एलिमेंट होगा वो बिफोर होगा और इस कोड के बाद में जो कोई एलिमेंट होगा वो यहाँ पे आफ्टर माना जाएगा और वो चीज़ किस तरीके से ऐड कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं अब देखो यार सपोज दैट मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे इस कोड से ऊपर ऊपर का जो कलर है वो मैं चाहता हूँ कि वाइट हो वाइट हो या फिर ब्लू हो येलो हो कुछ भी हो चलो हो, येलो मान लेते हैं और इसके जो नीचे का कोड के जो नीचे का कलर है वो कुछ अलग तरीके से हो जाए तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ बिफोर एंड आफ्टर का तो मैं किस तरीके से करूँगा देखो सबसे पहले अगर आप लोग बॉक्स को पोजन रिलेटिव दे दो इस तरीके से नोट uh, इवेंट्स आप पोर्सन रिलेटिव दे दो और आपको पोजन रिलेटिव आप स्टिकी वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है ना तो इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो चेकआउट कर रहे मैंने बताया इसके अंदर ठीक है तो आपको लिखना किस तरीके से आप लोग लिखोगे जो भी आपका सबसे पहले तो जो एलिमेंट है जो आप लोगों ने सेलेक्ट करना था लिखो बॉक्स इसमें आप लोग इस तरीके से बिफोर लिख दो आप लोग इस तरीके से डबल इस तरीके से आपको इस तरीके से लिखना है फिर आपको यहाँ पे बिफोर लिखना है इस तरीके से ठीक है और उसके बाद में आपको करना क्या है उसके बाद में आपको करना है सिंपल पोस्टन एब्सोल्यूट कंटेंट आपको इस तरीके से कुछ नहीं करना है तो आपको ये दो चीज़ तो प्रॉपरली करनी ही है पोर्सन आपको अपसल्यूट लिखनी पड़ेगी और कंटेंट आपको कुछ इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा ये दो चीज़ आपको जब भी आप लोग एब्सोल्यूट बिफोर यूज करो ना तो ये पोर्सन एब्सोल्यूट यूज़ करो और कंटेंट आप लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हो इसके अंदर कंटेंट के अंदर कुछ डाल भी सकते हो लेकिन अभी के लिए मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ ठीक है और ये दो चीज़ मैंडेटरी हैं फिर आप लोग अपने हिसाब से इसको सेट कर लो जैसे मुझे से ये अकॉर्डिंग टू पेरेंट डि पेरेंट डिवी इसका कौन सा है पेरेंट डिवी इसका सिंपल ये बॉक्स है ठीक है और इसकी विर्थ तो ये वन फिफ्टी पिक्सल तो इसके अकॉर्डिंग ये विर्थ ले लेगा अब गईज मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊँ ये जो बॉक्स है ना ये बॉक्स इसका ही चाइल्ड क्लास इसका चाइल्ड एलिमेंट है बिफोर मतलब इस बिफोर का जो पेरेंट एलिमेंट है वो कौन सा बॉक्स होगा और जैसे यहाँ पे आफ्टर होगा ना जैसे यहाँ पे आफ्टर होगा उसका भी ये जो पेरेंट एलिमेंट है ये बॉक्स ही होगा ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं यहाँ पे हाइट करता हूँ इसको फोर्टी परसेंट इस तरीके से और बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल येलो इस तरीके सेव करूँगा अगर और मैं यहाँ पर चलूँगा और राइट ये देख सकते हो ये देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर आ चुका है इसके अंदर लेकिन मुझे टॉप से चाहिए तो मैं क्या करूँगा टॉप से चाहिए मैंने पोजिशन अप सलूट कर यूज़ कर रखी है तो मैं यहाँ पे टॉप वाली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर सकता हूँ जीरो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ और ये देखो यार आप लोग इस तरीके से आपके सामने ये चीज़ सेट होके आ चुकी है अगर ऐसे मुझे आफ्टर यूज़ करना है तो मैं सिंपल आफ्टर का भी ऐसे यूज़ कर सकता हूँ इसको मैं डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल आफ्टर इस तरीके से ठीक है और ये टॉप से नहीं चाहिए और उसका जो कलर है मुझे क्या चाहिए कलर मुझे कोई ग्रीन वगैरह चाहिए इस तरीके से तो मैंने ग्रीन कर लिया और ये बॉटम से चाहिए मुझे तो मैं आप इस तरीके से टॉप से नहीं मुझे बॉटम से चाहिए तो बॉटम ज़ीरो कर देता हूँ ये पॉजिटिव अब और कंटेंट जो मैंने लिखना ही है चाहे बिफोर यूज़ करो चाहे आफ्टर यूज करो और विड्थ एंड हाइट मैंने कुछ जो इसको दे रखी थी वही मैंने इसको दे दिया है और कलर और ये बॉटम से मैंने जीरो कर दिया सिंपल ठीक है सेव करते हैं देखते हैं तो ये देख सकते हो यार ये देख सकते हो तो जो कंप्लीट मेरा बॉक्स था ना जो मेरा कंप्लीट रेड वाला बॉक्स था इसके ऊपर मैं बिफोर यूज़ कर रहा हूँ जो येलो है और इसके जो नीचे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेरा सिंपल कौन सा है ये मेरा कौन सा है ये मेरा आफ्टर वाला है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कोई कंटेंट लिखना हो अभी के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल बिफोर और ये यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सिंपल आफ्टर इस तरीके से और अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा देखो बिफ़ोर एंड आफ्टर और अगर मुझे तो इनको भी सेंटर में चाहिए तो ये दो प्रॉपर्टी मुझे कहाँ पर ऐड करनी है इस पर ऐड कर दो ये दोनों प्रॉपर्टी को आप लोग कॉपी करो और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे ऐड कर दो और इसके जस्ट नीचे ऐड कर दो बस इतना ही करना है और अब आप यहाँ पे जाओ तो अब आप लोग देखो यहाँ पे सेंटर में दोनों बिफोर कोड आफ्टर तो ये गाइस होता है हमारा सिंपल बिफोर एंड आफ्टर एलिमेंट इन सी एस एस के अंदर आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच टेक केयर बाय बाय